अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो मुनफरिद और नए अंदाज की चटनियाँ, जो आप इसको बाज़ार में जाके बारबेक्यू वगैरह के साथ एंजॉय करते हैं। और एक हम दूसरी जो अरबी स्टाइल की चटनी है, पहले हम बनाएंगे हरी वाली चटनी बारबेक्यू वाली। इसके लिए हमने लिए हैं 10 अदद छोटे लहसुन, मेरे पास देसी थे तो मैंने 10 अदद लिया, अगर बड़े हों तो आप 4-5 लीजिएगा। 1/2 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, 2 हरी मिर्चें लिए हैं और 1 हमने सूखी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून हमने काला नमक लिया, 1/2 टीस्पून हमने सफ़ेद नमक लिया है। इसके साथ हमारा एक सीक्रेट है चीनी, 1 टीस्पून लिया, 1/2 कप पुदीना लिया है हमने और 1 कप जो है ना हरा धनिया रफली चॉप कर लिया है हमने, इसको भी धो के सुखा लिया दोनों चीज़ों को। और हमने इमली जो है 1/2 कप भिगोई थी, उसका पल्प निकाला 1/2 कप। अगर आपके यहाँ ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप जो है ना इमली का पल्प बढ़ा सकते हैं, हमारे बच्चे ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते इसलिए मैंने 1/2 कप किया है। अब हम इन सबको ब्लेंडर में पीस कर लेकर आते हैं, बहुत बारीक नहीं पीसना है इसको। के लीजिए, ये हमारी बारबेक्यू चटनी तैयार है, इसको बनाइए, इंजॉय करिए। रेस्टोरेंट वाली चटनी जो आप घर पर भी बना सकते हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर। अब आते हैं दूसरी चटनी की तरफ, जो आप पुलाव विद बारबेक्यू तिहारी और वैसे ही पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये कम मिर्च वाली चटनी होती है, इसे तिलहरी मिर्च से बनाया जाता है। इसके लिए हमने तिलहरी मिर्च ली है 5 से 6 अदद, जो इसको हमने पहले पानी में भिगो ली थी ताकि इसके छिलके नरम हो सके। ये 5 से 6 अदद मिर्चें हैं। 1 अदद हमने दरमियानी साइज़ की प्याज ली, इसको हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया। 4 से 5 अदद हमने लहसुन के जवे लिए हैं, 1 चुटकी अजवाइन ली है, 1/2 टीस्पून हमने सफ़ेद नमक लिया, 1/2 टीस्पून हमने काला नमक लिया है, 2 टमाटर दरमियानी साइज़ के लिए थे इसको भी रफली चॉप कर लिया हमने, 1 टेबल स्पून हमने चिली सॉस लिए और 1 टेबल स्पून हमने सिरका लिया। अब आते हैं इसको ब्लेंड करने के बाद चटनी की शक्ल देकर। ये देखिए, ये हमारी चटनी तैयार है। अब इसके अंदर चंद कतरे हमने जैतून के तेल के डाल देना है ताकि इसमें एक अच्छा सा अरोमा आ जाए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी इंशाल्लाह दोनों चटनियाँ। इस हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, शेयर करें और जो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।